लोकसभा में विपक्षी सदस्य के शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित की जांच समिति। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से। सत्र के सफल संचालन को लेकर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो आज करेंगे मैराथन बैठक। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से मिली नकदी के बाद अब रांची और लोहरदगा स्थित आवास में दीवार फॉल्स सीलिंग की हो रही जांच। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड ने दी दस्तक। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान अगले 6 दिनों तक रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त के तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने शोरगुल किया। इस कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी लोकसभा सचिवालय की है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर संसद की सुरक्षा में उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दे दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। संसद में सुरक्षा सुधार संबंधी सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपेगी। गौरतलब है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कल दो युवक अचानक दर्शक दीर्घा से कूद गए थे। जब ये घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मोक था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। वहीं रंग गुलाल के साथ प्रदर्शन कर रहे दो आरोपियों को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर चिंता जताते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बाद में बताया गया कि फिलहाल दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों का प्रवेश भी फिलहाल अब रोक दिया गया है। और बात झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इस बीच सत्र के सफल संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो आज मैराथन बैठक कर रहे हैं। श्री महतो ने आज सत्र के सफल संचालन को लेकर विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की और सहयोग की अपील की। दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा श्री महतो प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में बुलाई गई है। इस दौरान राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के सवालों का संतोषजनक उत्तर देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ विकास की अनवरत यात्रा पर आगे बढ़ता जा रहा है। इस रथ का गढ़वा जिला के श्री वंशीधर नगर में पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जब गढ़वा जिला के श्री वंशीधर नगर पंचायत में पहुंचा तो लोगों ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। इस दौरान नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र चौधरी ने उपस्थित लोगों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ दिलाई। करने वालों का सम्मान करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमरिंद्र चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को दी जा रही है, साथ ही वंचितों को तुरंत लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग जो है जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि क्या उनसे फायदा हुआ। इस मौके पर कई लाभार्थी महिलाओं ने अपनी जुबानी अपनी कहानी के माध्यम से विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बदौलत जिंदगी में आए सुखद बदलाव की चर्चा की। शौचालय में भी अभी बहुत सुविधा होने ताकि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। पीएम आवास मिला और उज्ज्वला योजना भी मिला और पीएम स्वनिधि लोन भी हुआ। केंद्र सरकार के कामकाज के तरीकों की प्रशंसा करते हुए स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वे ऐसी सरकार बार बार चाहेंगे। मेरा एक आवास मिला, फिर उसके बाद उज्ज्वला गैस मिला है। उस पर पहले चूल्हे पर खाना बना रहे थे, अब गैस पर खाना बना रहे। आयुष्मान कार्ड भी हम लोग और उससे मेरा इलाज भी हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे मेरा पूरी तरह से सहारा मिला। मोदी जी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। और बरसात के दिनों में हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा था, मिट्टी का जो घर था और पक्का बन गया, हम लोग को दिक्कत नहीं है। और गैस चूल्हा भी मिला है, उज्ज्वला गैस शौचालय भी मिला है सरकार की तरफ से, मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की बदौलत देश में बदलाव की बयार बह रही है। अब तक इससे छूटे लोगों को विकसित भारत यात्रा रथ विकास की अनवरत यात्रा पर लेकर आगे बढ़ने को तैयार है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के सोनाजोड़ी एवं शहरकोल पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा संथाल परगना के विभिन्न क्षेत्रों से खुशियों का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में जिले के सोनाजोड़ी एवं शहरकोट पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखी गई। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर कई लाभुकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमकर तारीफ की। पहले मेरा कोई नहीं था, जुड़ने के बाद थोड़ा लोन लेकर के अपना दुकान किए हुए हैं, उसमें जो 400-500 हजार आता है। अपने पंचायत में पूरे 6 गांव में हम काम करते हैं जिसमें हमें मंथली सालाना भी पैसा मिलता है, जिसमें अपने परिवार पति के साथ मिलकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई में भी मदद कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार से मिले सौगातों की चर्चा करते समय लाभार्थियों की खुशियां उनकी बातों से साफ झलक रही थी। मैं पहले एक हाउस वाइफ थी, उसके बाद समूह से कुछ रुपया लोन लेके मैं अपना घर में दुकान की थी, उसमें 100-150 के दिन रोजाना में रोजगार करती थी। संथाल परगना में समावेशी विकास का सपना साकार करने में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारगर और हितकारी साबित होती दिख रही है, जिसका प्रमाण है कि स्थानीय लोग इससे लगातार जुड़ रहे हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ ने लोहरदगा के किस्को प्रखंड अंतर्गत आर्या और खड़की पंचायत में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी लोहरदगा के किस्को प्रखंड अंतर्गत आर्या और खड़की पंचायत पहुंची। इस LED जागरूकता रथ ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और उन्हें योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित किया। और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना जा रही है उसमें ये संकल्प हम लोग लिए जा रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में भारत देश को विकसित देश बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण उरांव के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा को सराहनीय पहल बताया। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही है उससे जो लाभ जिसको प्राप्त हुआ है
खास तौर पर उनसे 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 फीडबैक भी लेना है और केंद्रीय योजनाओं योजना जितने प्रकार के जो प्रखंड स्तर पर चल रहा है उनसे लोगों को अवगत भी कराना है। इस मौके पर लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया और विकास के किरण उनके पंचायत तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। हमको मिला था, हमको अपना पैसा लगा कि सब सबके लिए थे, पक्का घर मिल रहा है तो हमारे लिए मिल गया, हम क्यों नहीं बनाएंगे। महिला ने भी गैस सिलेंडर मिला है जिसको हम लोग भी यूज कर रहे हैं अभी, इस महिला लोग को बहुत राहत है उसमें, अच्छा भी है। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, हम मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एलईडी वाहन निश्चित रूप से आज विकास की गारंटी का पर्याय बन चुका है। यह जब जहां पहुंच रहा है वहां विकास बयार और खुशियों की फुहार बिखर रही है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। आधार प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आधार को अपडेट करने की तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया है। UIDAI के अनुसार अब माई आधार पोर्टल के जरिए बिना कोई शुल्क दिए 14 मार्च 2024 तक अपडेट किया जा सकेगा। 14 दिसंबर तक की थी। हालांकि अगर कोई यूजर ऑनलाइन के बजाय आधार सेंटर जाकर ऑफलाइन आधार को अपडेट कराता है तो उसे ₹25 का शुल्क भरना होता है। अपडेशन की प्रक्रिया माय आधार पोर्टल के माध्यम से निशुल्क जारी रहेगी। आधार को फ्री में अपडेट करने के जरिए से आप फ्री में अपना पता और डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन नंबर, बायोमेट्रिक सहित दूसरी चीजों को अपडेट करने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना ही होगा। अपडेट करने के लिए आपको myaadhar.uitai.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से मिली नकदी के बाद अब उनके रांची और लोहरदगा स्थित आवास में दीवार फॉल्स सीलिंग की जांच हो रही है। आयकर विभाग की टीम ने कल जमीन के नीचे से लेकर दीवार और फॉल्स सीलिंग को भी खंगाला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि रांची आवास में जमीन के नीचे जेवरात हो सकते हैं, इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की टीम ने जियो सर्विलांस मशीनें मंगाई थी। उधर लोहरदगा स्थित धीरज साहू के आवास पर भी आयकर विभाग की टीम ने जियो सर्विलांस मशीन से जांच की। बाबानगरी देवघर में एक अनोखी पहल शुरू हुई है। शादी विवाह या अन्य आयोजनों के बाद बचे पकवानों को यहां गरीबों के बीच बांटा जा रहा है, जिससे इनका सदुपयोग तो हो ही रहा है, इससे जरूरतमंद जनजातीय पहाड़िया समुदाय के लोगों को भी सुस्वादु भोजन मिल पा रहा है। ऐसा देखा जाता है कि शादी विवाह या अन्य आयोजनों में काफी अनाज बच जाता है जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। झारखंड के देवघर में कुछ लोगों की पहल से अब इस बेकार समझे जाने वाले पकवान का सदुपयोग शुरू हुआ है। इस काम में विशेष रूप से दंत चिकित्सक नीतू अग्रवाल और कैटरिंग के प्रोपराइटर सुरेश जैन सामने आए हैं, जो इन अच्छे अच्छे पकवानों को पार्टी फंक्शन खत्म होते ही अगले सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के बीच वितरित कर देते हैं। अन्न बनता बहुत है, बढ़ता बहुत है और बर्बाद भी बहुत होता है। आप उसे बर्बाद होने से कैसे बचाएं, कैसे रोकें, यही हमारी योजना है, हमारी यही स्कीम है। हम कैटरिंग का काम करते हैं, रात में काम खत्म हुआ सामान बनता है और बचता भी है, तो हम चाहते हैं कि वो बचे, वो बर्बाद नहीं हो। ये जिस खाने को तुम बचा के मेरे घर तक पहुंचाते हो, वो खाना जब किसी नीडी के पास पहुंचता है तो आपको पता चलता है कि वो हैप्पीनेस क्या है। विगत कुछ वर्षों से जारी इस अनोखी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय पहाड़िया समुदाय के लोगों में भी अच्छा और लजीज भोजन मिल पा रहा है, जिससे उनकी खुशियां देखते ही बनती हैं। इस पुनीत कार्य से समाज में भी एक अच्छा संदेश जा रहा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। आज जैसे कि इस गांव में हम लोगों ने साथ में एडॉन में ताजी सब्जी, गरम गरम चावल के साथ में ये वितरण किया गया और ये एक माहौल और इस तरह के इस भाव का शब्दों में बयान कर पाना सच में बहुत मुश्किल है। देवघर के समाज सेवी सुरेश झा भी मानते हैं कि शादी विवाह या अन्य आयोजनों में बेकार हो जाने वाले पकवानों का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम लोग जो है एक गाँव में जाके बात कर लेते हैं, वहाँ के जो अगुवा हैं, आप लोग गाँव वालों को तैयार रखिएगा क्योंकि ये भोजन जो है किसी के पेट में चल जाए उसको संतुष्टि मिले, हम लोग को भी काफी संतुष्टि मिलता है और इसकी शुरुआत हम लोग पिछले 4 साल से किए हुए हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। बाबा नगरी देवघर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। धर्म आध्यात्म की इस नगरी ने एक बार फिर मानव कल्याण का रास्ता दिखाया है, जिसे रोल मॉडल की तरह हर शहर कस्बे में भी उपयोग में लाया जा सकता है। देवघर से मनीष दुबे के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब राज्य के विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा प्रखंड के मधेया पंचायत में आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बीच गोद भराई एवं बच्चों का अन्न प्राशन कराया गया। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की। रांची जिला अंतर्गत तत्कालीन हेहल सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। श्री सिंह पर करीब 4.5 एकड़ आदिवासी जमीन का अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप है। कृषि मंत्री बादल ने दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड के सुग्गी पहाड़ी और झीलुआ के बीच परिपा नदी पर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस पुल के बन जाने से बनवारा और खरबिल्ला पंचायत के दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन में सुविधा होगी। हजारीबाग जिला समाहरणालय के समक्ष नवनियुक्त होमगार्ड संघ के तत्वावधान में नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर 118 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन किया गया था। कोडरमा के जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेक्रेड हार्ट स्कूल में तंबाकू निषेध पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्ग दशम से बारहवीं तक के 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले दिनों आरआईटी थाना क्षेत्र के एक घर से हुई पूर्व हेडमास्टर के घर से लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर चोरी में प्रयुक्त ऑटो के साथ लाखों के जेवरात बरामद किए हैं। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी मंडप रोड स्थित एक कुरियर कार्यालय में लूट की घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 61,000 रूपए समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दशरथ चंद्र दास ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर पीएम पोषण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्याह्न भोजन का बजट सह कार्य योजना का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बीआईटी मेसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि से संबंधित बैठक हुई। बैठक में बीआईटी मेसरा में रहने वाली लगभग 4,000 आबादी को पानी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय चेडी मनातू के 70 एकड़ भूमि की नापी कराने का निर्देश कांके अंचल अधिकारी को दिया गया। रांची के डेली मार्केट सब्जी और फल मंडी में आग लगने की घटना के बाद रांची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कुछ नमूने जब्त किए हैं। वहीं कोतवाली डीएसपी हिंदपीढ़ी और डेली मार्केट थाना प्रभारी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर राहगीरों एवं आमजनों की सुविधा के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त द्वारा जिले के सभी अंचल अधिकारियों को बढ़ती ठंड के मद्देनजर आने वाले दिनों में आवश्यकता अनुसार अलाव की व्यवस्था करने का भी निर्देश जारी किया है। रांची विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर पूर्व अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे चक्र में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। रांची विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अपने दूसरे मैच में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की है। साहिबगंज के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने सिद्धू कानू स्टेडियम से जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल का फुटबॉल प्रतियोगिता का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। वहीं जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी ने अतिथियों को पौधा और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान अगले 6 दिनों तक 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों में राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन में खिली हुई धूप आपको देखने को मिलेगी। और अभी जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो न्यूनतम तापमान जो चल रहा है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। उसी रेंज के आसपास में ही न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। तो 10 डिग्री के आसपास में ही अभी न्यूनतम तापमान रहेगा। थोड़ा बहुत ग्रामीण इलाकों में 2-3 डिग्री थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम हो सकता है। बाकी जो शहरी क्षेत्र है उसमें इसी लगभग में टेम्परेचर न्यूनतम तापमान देखने को झारखंड में मिलेगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने डीएलएस नियम के तहत 5 विकेट से अपना नाम कर लिया था। ऐसे में इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने पर होगी। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में इकलौते टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी। भारतीय महिला टीम अपने घर पर 9 साल बाद टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी, ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम रहने वाला है।
FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच में भारत का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। आज भारत की नजर अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाने पर होगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक हरियाणा के दीपक ने और कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने जीता। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40-F41 इवेंट में महाराष्ट्र की यूएस सीताराम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रजत पदक छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा और कांस्य पदक राजस्थान की निशा के नाम रहा। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलो वर्ग में हरियाणा के अशोक ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। तमिलनाडु के वी सर्वानंद विजयन ने रजत पदक और गुजरात के अरविंद मकवाना ने कांस्य पदक जीता। जुलाई से सितंबर के बीच की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने सभी अर्थशास्त्रियों को भारत के बारे में अपनी राय बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास करने का सिलसिला लगातार जारी है। जुलाई से सितंबर के बीच ये उम्मीद से कहीं अधिक तेज गति से बढ़ी, जिसके बाद ये यकीन और बढ़ जाता है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ष के लिए अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सितंबर तिमाही में 7.7% बढ़ी, जो अर्थशास्त्रियों के रॉयटर पोल के 6.8% के पूर्वानुमान और भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5% के अनुमान से ज्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र का पिछले एक दशक से अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 17% रहा, वहीं सितंबर तिमाही में साल दर साल के प्रयासों से ये 13.9% बढ़ा। जुलाई से सितंबर तिमाही में सरकारी खर्च साल दर साल 12.4% बढ़ा, जबकि उससे पिछली तिमाही में इसमें 0.7% का संकुचन था। पिछले 3 महीनों में पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी देखी गई है, जो 8% से बढ़कर साल दर साल 11% हो गई है। ये निवेश के बड़े संकेतकों में से एक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत वित्त वर्ष के लिए सरकार के 6.5% के विकास के अनुमान को पार कर जाएगा। हाल ही के जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। गौरतलब है कि अप्रैल से सितंबर के बीच पहली छमाही में भारत की विकास दर औसतन 7.7% रही, जो भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्षी सदस्य के शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित की जांच समिति। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से, सत्र के सफल संचालन को लेकर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो आज करेंगे मैराथन बैठक। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से मिली नकदी के बाद अब रांची और लोहरदगा स्थित आवास में दीवार फॉल्स सीलिंग की हो रही जांच। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड ने दी दस्तक। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान अगले 6 दिनों तक रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास।